ताज़ा होले विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और अभिनेता राजीव निगम की कहानी, उनकी ही जुबानी। तो एक दिन उन्होंने देखा कि 50वें कंटेस्टेंट पर सवालिया निशान लगा, तो वो दौड़कर पंकज के पास गए कि प्लीज़ सर मुझे रख लीजिए, एक सीट खाली हो गई है। वह बोले ठीक है। तो सुना लिया अपने 3-4 जोक। मुझे बहुत ख़राब लगा कि वह मुझे 50 के लिस्ट में भी नहीं गिन रहे हैं। घर वाले पूछे कि तुम कहाँ बर्तन धो रहे थे, क्या कर रहे हो मुंबई में। उन्होंने बताया कि स्टेज पर परफॉर्म करता हूँ, मेरे ऑडियो कैसेट आई है। लेकिन उन्हें लगता कि मुंबई जाकर अगर कोई टीवी पर नहीं आ रहा है तो वह जरूर कहीं बर्तन धो रहा है। ये सवाल उन पर उठने लगे थे। फिर सूट से ठीक 3 दिन पहले मुझे मेरी पत्नी को अंधेरी के अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। उन दिनों वह प्रेग्नेंट थी। अब मेरी एक टांग अस्पताल में और एक कॉमेडी लिखने और रिहर्सल में कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि मुझे कॉमेडी शो से निकाल दिया जाए। मैंने अपने पड़ोस की एक भाभी की बिन की वह मेरी उनसे विनती की कि मेरी पत्नी के साथ अस्पताल में रहे। मेरा शूट हुआ और मैं सेमीफाइनल में पहुँच गया। फाइनल वाले दिन सभी को उम्मीद थी कि मुकाबले मैं ही जीतूंगा। मुझे भी यही उम्मीद थी। जितने वाले को कार मिलनी थी, लेकिन पहले नंबर पर मुकाबला पाकिस्तान के राउफ लाला ने जीता। मैं एकदम मौन हो गया। पहली दफ़ा मैं घर आकर बहुत रोया। फिर कॉमेडी का सफ़र जारी रहा। लाइव शो शुरू कर दिए, स्टार प्लस पर शाक पर उल्लू बैठा है वगैरह वगैरह, यह सब मैंने किया। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। मेरा छोटा बेटा 7 साल का देवराज मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे आने पर ही सोता था। और अब मैं रोज़ रात को एक पार्टी से बहुत लेट आया करता था और उस दिन भी लेट आया। घर आने पर उसने बताया कि आज मैं मम्मी के साथ मॉल गया, मैंने कपड़े खरीदे। फिर वह रोने लगा कि उसके सिर में तेज दर्द हो रहा है। हमने सोचा वैसे ही दर्द हो रहा होगा, किसी तरह से उसे सुला दिया गया। सुबह मैंने सोचा कि उसे बिना जगाए चुपचाप घर से निकल जाऊँगा, लेकिन अचानक मैंने देखा कि उसके मुँह से लार गिर रहे हैं। मैंने जैसे ही उसके मुंह की लार साफ़ की तो उसकी गर्दन झुल गई। मैं उसे कंधे पर उठाकर नंगे पांव नीचे भागा, कार में डाला और सीधे अंबानी अस्पताल ले गया। मेरे पीछे से मेरी पत्नी अस्पताल पहुंची। वह कहने लगी कि आप यहाँ रुको, मैं मंदिर जा रही हूँ। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह कोमा में जा चुका था। 3 दिन के बाद डॉक्टर ने अपने हाथ खड़े कर लिए, लेकिन मेरी पत्नी अपनी भक्ति में बैठी रही। उसे भरोसा था कि उसका बेटा जरूर उठेगा। शो के बाद सीधे अस्पताल जाता था। मेरे जाने पर मेरी पत्नी घर जाती थी। 3 महीने ऐसे ही चलता रहा। 3 महीने तक बेटा कोमा में रहा। फिर मेरी पत्नी की भगवान ने सुन ली, बेटे को होश आया। लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई है और अब यह अपनी सेंस में नहीं रहा है। जब देवराज ICU में था तो मुझे तब तो रोना नहीं आया, लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि इनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और अब ये पहले जैसे नहीं रहेंगे, उस पर मैं बहुत रोया। मेरे बेटे की दुनिया वीरान हो गई। अपने शो के बाद मैं लोगों के हाथ जोड़कर कहता कि मेरा बेटा ICU से घर लौटा है, उसकी सेहत के लिए दुआ करें। लोग बहुत दुआएँ करते थे। कोई रोज़ा रखता था, कोई पूजा करता था, कोई नमाज करता था, कोई लंगर लगाता था। धीरे धीरे हमारी और डॉक्टरों की मेहनत से बेटे की आंखों की रोशनी थोड़ी लौट आई। फिर भी हम पति पत्नी पूरी तरह 24 घंटे बेटे पर ही लगे रहते थे। मैंने कुछ दिनों के लिए काम बंद कर दिया था। पत्नी सारा दिन पूजा पाठ पर बैठी रहती थी। पिछले साल 8 नवंबर को मेरा जन्मदिन था। बेटे को मेरा जन्मदिन मनाने का बहुत शौक था। मैंने 2 केक मंगवाए। दोनों बच्चे अपार्टमेंट में नीचे खेल रहे थे। मैंने उन्हें ऊपर बुलाया। बड़े बेटा से पूछा कि देवराज कहाँ है। उसने बताया कि देवराज लिफ्ट में है। मैं लिफ्ट तक देखने गया, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। फिर बिल्डिंग के बच्चों ने बताया कि वह पीछे की तरफ गिरा पड़ा है। हम भागे भागे देखने गए तो वह गिरा हुआ था। वह 7वें फ्लोर से नीचे गिर गया था, मर चुका था। 2 दिन के बाद दिवाली थी। उसके लिए लाए पटाखे और मिठाइयाँ ऐसे ही रखी रह गई। पुलिस केस बन चुका था, उसका पोस्टमार्टम चल रहा था और मैं पोस्टमार्टम रूम के बाहर बैठा चुटकुला सुना रहा था। मेरे भाई जब वहाँ पहुँचा तो दहाड़ मार कर रो रहा था। मैंने उसे डांटा और झटक दिया, ये ऐसा क्या हो रहा है, क्या हुआ है, चुप हो जाओ। मेरी माँ मुझे डांट रही कि तेरा बेटा मरा है और तू खी खी करता रहा। मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ।
मेरे साथ जो हुआ उससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। पोस्टमार्टम रूम के बाहर ही अपने को चाबी देनी शुरू कर दी थी, और अगर मैं डिप्रेशन में चला गया तो कभी निकल नहीं पाऊंगा, ये मेरे मन में ख्याल था। मेरी पत्नी और मेरे बेटे को कौन संभालेगा? मैं कमज़ोर महसूस करूंगा तो मेरे लाखों चाहने वालों का क्या होगा? कॉमेडी ही एक ऐसी चीज़ थी जो उसे रिपेयर कर सकती थी। मैंने बेटे की मौत के वक्त ही ठान ली थी कि मुझे अपनों को संभालना है और उसके लिए मुझे खुद को संभालना होगा। मैं पॉलिटिकल सटायर करता था। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ हैशटैग जो है अच्छा हुआ हैशटैग चलने लगा, और उसके बाद कहा गया कि अच्छा हुआ तेरा बेटा मन गया। मेरा मन हुआ कि जवाब तो देना ही होगा। ऐसे टाइम में जवाब दिया जब मुझे वो लोग कमज़ोर मान रहे थे, तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और फिर उसी रफ्तार में काम में जुट गया। अब मुझे पैसे की इच्छा नहीं है। मैं काम तो अपने बेटे के खर्च उठाने के लिए करता था, अब वो नहीं रहा तो किसके लिए कमाना। लेकिन मेरा कॉमेडी का सफ़र जारी रहेगा। मुझे कॉमेडी वीडियो बनाकर एनर्जी मिलती है। तो ये थी उनकी कहानी, किस प्रकार से एक बाप कितना कुछ झेलता है, उसके अंदर क्या कुछ होता है, उनकी जुबानी हमने आपको सुनाई है। फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।